तो वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है एम टी इरशाद और आप देख रहे हैं मूवी थिंग्स। और आज हम बात करने वाले हैं कमांडो वेब सीरीज के बारे में, जो कि हाल फिलहाल 11 तारीख को ये रिलीज़ हुई थी। तो मुझे इसको देखने से पहले ऐसा लगा था कि इसमें क्या ही कुछ नया लेकर के आएंगे। तो इसका ट्रेलर देखकर तो मैंने ये सोच लिया था कि ये एक मूवी जो होने वाली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में होने वाली है, जो कि एक कॉमन इंडिया का टारगेट बना हुआ है हर मूवीज़ और सीरीज़ के लिए। जिसको भी तुम ज़्यादातर स्पाई मूवी या सीरीज़ में देख लोगे तो ज़्यादातर उसका विलन वही होता है, कौन? पाकिस्तान। और अभी हाल फिलहाल गदर 2 भी आई है, जिसमें भाई मतलब विलन है पाकिस्तानी, उनका विलन है। तो अभी हाल फिलहाल हमें जितने भी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है उसमें पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल विलन बनकर सामने आया है। तो हमें अभी तक का कोई भी मूवी आ रही है जिसमें अगर तुम्हें लगता है कि कौन विलन हो सकता है, तो हमेशा समझ लेना कि स्पाई थ्रिलर में वही हो सकता है विलन, यानी कि पाकिस्तानी हो सकता है विलन। तो उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, जानते हैं कि इसके सीरीज में क्या है। तो इसके सीरीज में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, जो कि उसको पूरा प्ले करने वाले इसकी अदाकारा, जिसका नाम भी अदा है, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव और इसको इनफैक्ट फुल बनाती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस सीरीज़ को देख करके कि ये लोग जो कमांडोस मूवी जो है 1, 2, 3 जो तीन मूवी निकाले हैं, वो इससे कनेक्टेड होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें अदा खान वही कैरेक्टर प्ले करती है जो कि वो कमांडो में करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लिंक हो गए एक दूसरे से, और फिर हो सकता है कि कमांडो के भी यूनिवर्स सामने निकल करके आए। अभी तो सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आगे 1-2 सालों में इसका भी यूनिवर्स खड़ा करके हमें देखने को मिलेगा। उसमें ज़्यादा तो हमें मज़ा आ ही जाएगा। लेकिन जब इसका सीरीज़ आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि इसमें विद्युत जामवाल को क्यों नहीं लिया गया। तो उसका रीज़न अब मुझे पता चल गया कि हो सकता है कि इसके यूनिवर्स खड़ा करने वाले, इस वजह से इस सीरीज़ के लिए विद्युत जामवाल को नहीं लिया गया है। और मैं बताऊँ कि इसके जो कैरेक्टर, मतलब कि इसके हर एक कैरेक्टर में जान है, लेकिन इसके सीज़न 1 की स्टोरी में जान एकदम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि इसमें बहुत कुछ नया लेकर के आएंगे, क्योंकि इसमें बायो वेपन का दिखाया गया था कि जो कि एक जहरीला गया था जो कि इंडिया पर अटैक होने वाला था। तो मुझे ऐसा लगा था कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा जिसको रोकने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे इस लोग, जी जान लगा देंगे और बहुत कुछ ज़्यादा ही करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले एपिसोड में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मुझे नहीं लगा था कि ये लोग करने क्या वाले आगे। तो फिर आगे पता चला है कि ये लोग सिर्फ रेस्क्यू मिशन ही कर रहे हैं कमांडो में। देखो, तो मुझे नहीं लगता कि ये उतना कमाल वेब सीरीज़ है, एकदम बवाल वेब सीरीज़ है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे इसको देख करके लग रहा है कि ये एक एवरेज सीरीज़ है, जैसा कि हर एक एवरेज सीरीज़ होती है। ओवरऑल इस सीरीज़ को देख करके मुझे ये भी नहीं लगा कि ये लोग करने क्या वाले। लेकिन हाँ, अगर इसका सीज़न 2, शायद सीज़न 2 ही आने वाला है, क्योंकि इसमें पार्ट 2 करके ऐसा कुछ नहीं लिखा गया और इसका सिर्फ 4 ही एपिसोड आया था। तो मुझे लगा था कि और 4 एपिसोड भी आने वाले हैं, तो इसमें वैसा कुछ लिख करके नहीं आया। हो सकता है कि इसका पार्ट 2 आए, या फिर हो सकता है इसका डायरेक्ट सीज़न 2 ही आ जाएगा। देखो, अब क्या आने वाला है वो तो इसके आने वाले पार्ट या आने वाले सीज़न में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि इसके एंडिंग में जो हिंट दिया है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है मुझे, क्योंकि इंडिया के रॉ एजेंसी में कोई पाकिस्तानी जासूस घुसा हुआ है, तो वो उनका हर एक इंटेल लीक कर देता है पाकिस्तान को। तो क्या ही होने वाला है इसके सीज़न 2 में या फिर पार्ट 2 में, क्या ही होने वाला है वो तो जब इसका पार्ट 2 आएगा तभी पता चलेगा। खैर, तुम बताओ कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस सीरीज़ को लेकर के, और क्या तुमने ये सीरीज़ देखी? अगर देखिए तो तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी ये सीरीज़, और अगर नहीं देखी तो मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हें देखना है इट्स एन एवरेज सीरीज़, तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ये एवरेज टाइप की है, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं देगी तुम्हें। अगर तुम सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि स्पाई थ्रिलर कमांडो टाइप की ये सीरीज़ है तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है इसमें। इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि ये एक एवरेज सीरीज़ है। अगर तुम्हें देखना है तो तुम चेकआउट कर सकते हो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये रिलीज़ हुई है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। और इसी के साथ साथ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर मिल सके। और इसी के साथ साथ देखना ना भूलना मूवी थिंग्स। तब तक टेक केयर एंड बाय।